नमस्कार साथियों, ये हमारा एक डेटन का स्प्लिट एसी है जो एलजी का है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये कूलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कूलिंग नहीं कर रहा तो इसमें ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर खराब होगा, गैस नहीं होगा, कैपेसिटर खराब होगा, पंखा नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं तो क्या कर रहा हूँ, इस मशीन को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद हम आउटडोर पर चलते हैं, चेक करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इस मशीन को 18 पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं आउटडोर के पास, ठीक है। अब यहाँ से कंप्रेसर ऑन हो गया, ठीक है। चलते हैं आउटडोर पे, हम देखते हैं कि इसमें रीज़न क्या है जिसकी वजह से कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं फेंक रहा, ठीक है। अभी देखिए, जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ उसका आउटडोर यूनिट ये है, और देख सकते हैं ये हमारा आउटडोर चल रहा है, ठीक है। आउटडोर चल रहा है तो इसमें देखिए एम्पियर कितना ले रहा है, एम्पियर इसका है 4.5 के आसपास, जो एक तरफ से ना के बराबर है। गैस का प्रेशर कितना है देख सकते हैं, ये 0.0 है, वैक्यूम में भी चला गया, ठीक है। यानी इसमें क्या है, गैस नहीं है, कंप्रेसर तो चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है लेकिन गैस नहीं है। और देखिए एक चीज़, हमको आप डिस्चार्ज को देखेंगे, इसका डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज लाइन है यहाँ पे तेल तेल जैसे हुआ है, ठीक है। तो मुझे डाउट है कि यहाँ से लीकेज है, ठीक है। तो अभी इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले पहले मशीन को मैं बंद कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे चेक करेंगे और इसमें क्या क्या करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई को बंद कर दिया हूँ। सप्लाई को सिर्फ रिमोट से नहीं बंद किया, मैं पूरा ब्रेकर से शट डाउन कर दिया है, सिर्फ इस एसी का, ठीक है। अब देखिए गेज हम निकाल देंगे, ठीक है, गेज रहने दीजिए। अब देखिए इसको हम पहले लीकेज फाइंड आउट करेंगे कि लीकेज है कहाँ से। तो लीकेज के यहाँ पे कई पॉइंट हो जाते हैं, ये डिस्चार्ज लाइन है। तो पहला, इस साइड से लीकेज होगा, अगर फ्लेयर कम्प्लीटली नहीं बना, ठीक से नहीं बना होता है तो इधर से लीक करता है, इधर से भी लीक होगा, अगर फुली टाइट नहीं होगा तो इधर से भी लीकेज होगा। ये वाल है एलेंकी वाल, एलेंकी वाल का एलेंकी जो नट है, एलेंकी सेट है, वो अंदर का पूरा वाल प्रॉपर क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से भी लीकेज होगा। इसमें तीन लाइन है, तीन पॉइंट है जहाँ से हमको लीकेज फाइंड आउट करना है। कभी कभी डिस्चार्ज लाइन में यहाँ से चार्जिंग पिन दिया होता है, जैसे ये सक्शन में दिया होता है, ठीक है, ऐसे ही इसमें दिया होता है, तो वहाँ पे चार पॉइंट हो जाते हैं, फिर यहाँ पे एलंकी वाल और ये फ्लर नट के दोनों साइड में, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसको क्या करूँगा, इसमें कुछ भी खोलने से पहले नाइट्रोजन का 200 के आसपास PSI प्रेशर डालूंगा, और पहले लीकेज का जो लोकेशन है वो पहले फाइंड आउट करूंगा, लीकेज इधर से है, इधर सामने से है या एलंकी वाल से है। जब लीकेज का लोकेशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसको सॉल्व करके फिर नाइट्रोजन डालेंगे और दोबारा चेक करेंगे कि फिर लीकेज है कि नहीं, अगर नहीं है तो वैक्यूम करके फिर गैस डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं इसको नाइट्रोजन डालने के लिए 200 PSI के प्रेस आसपास, ठीक है। अभी देखिए मैं नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दिया हूँ, और नाइट्रोजन का प्रेशर डालने के लिए आपको येलो लाइन से नाइट्रोजन डाला और रेड लाइन से हमारा सक्सर में डाल के इसको नाइट्रोजन को रिफिल किया, ठीक है। और नाइट्रोजन हमारा वहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग 125 के आसपास हमारा होल्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन लगभग 125 के आसपास हमने होल्ड कर रखा है, ठीक है। और आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ से कि लीकेज की आवाज़ आ रहा है हमको, ठीक है। अभी लीकेज कहाँ से है ये थोड़ा सा हम फेरी से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि लीकेज का लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लीकेज, देखिए ये लीकेज की साइड से है, लीकेज एलेंकी वाल से भी नहीं है, फ्लेयर नट के सामने से भी नहीं है, फ्लेयर नट के पीछे से है जिधर से हमारा क्वार्टर का पाइप पिन हो रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि पाइप थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है जिसके वजह से फ्लेयर हमारा डैमेज हुआ है, ठीक है, या पाइप थोड़ा सा बेंड हो गया है जिसके वजह से वहाँ से ओपन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नाइट्रोजन को पूरा निकाल के बाहर इस फ्लेयर नट को पूरा खोलूँगा, फ्लेयर नट को अच्छे से चेक करूँगा, फ्लेयर नट का स्विंग अगर अच्छा से होगा तो फिर उसको अच्छे से स्ट्रेट करके और टेफ्लॉन टेप के साथ फुली टाइट करेंगे और फिर प्रेशर डालेंगे 150-200 के आसपास, ठीक है। तो अभी हमारा लीकेज कन्फर्म हो गया कि लीकेज कहाँ से, देख सकते हैं कैसे फेंक रहा है, ठीक है। चलिए हमारा लीकेज का लोकेशन पता चल गया, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने, फिर नाइट्रोजन डालेंगे। अभी देखिए मैं फ्लेयर नट को खोल दिया हूँ नाइट्रोजन निकालने के बाद, और इस
जो फ्लेयर नट जिस थ्रेड पर टाइट होता है उसको मैं नया टेफ्लॉन टेप लगा दिया हूँ। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा फ्लेयर जो बना था ठीक बना था, लेकिन पाइप थोड़ा सा ये लंबा है जिसके वजह से लगता है पैर और पड़ा है। तो हुआ क्या है कि ये थोड़ा सा ये नीचे दब गया है और यहाँ जैसे क्या हुआ कि यहाँ से एक फ्लेयर फटाफटा सा दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है, मतलब हल्का सा माइनर है जिसको हम बहुत बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है तो अभी मैं किसको क्या करूँगा, यहाँ से काट के फेंक दूंगा और नया फ्लेयर बना के अच्छे से और फिर फुली टाइट करूँगा। फुली टाइट करने के बाद फिर से नाइट्रोजन डालूंगा और फिर प्रेशर चेक करूँगा कि लीकेज का कोई ऑप्शन बच गया है क्या। ठीक है तो यानी इसमें फ्लेयर का इशू था जिसके वजह से हमारा लीकेज था, अभी हमारा वो लीकेज सॉल्व हो जाएगा नया फ्लेयर बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं उसको फ्लेयर बना के फुली टाइट करेंगे, फिर नाइट्रोजन डाल के प्रेशर चेक करते हैं। अभी देखिए जो हमारा जो लीकेज है, लीकेज को सॉल्व करने के बाद मैंने करीबन 200 के आसपास फिर से PSI प्रेशर डाल दिया है। ठीक है और बैक प्रेशर आप देख सकते हैं, बैक प्रेशर तो 0-0 है लेकिन हमने हाई साइड से डाला तो 200 PSI प्रेशर हो चुका है। ठीक है और इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ क्योंकि जब मैं यहाँ पे फ्लेयर बना रहा था तो ये फ्लेयर बार बार कट रहा था, तो मैंने क्या किया कि नया पाइप काट के डाल दिया। अभी यानी यहाँ पे ब्रिजिंग के बजाय हमने यूनियन लगा दिया, यूनियन का हमारा यहाँ पे क्वार्टर का यूनियन है और दो साइड में हमारा फ्लेयर नट है और उसके बाद हमने दोनों यूनियन को टाइट कर दिया, एक वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी 200 PSI प्रेशर पे हमारा कोई लीकेज नहीं है यहाँ पे, पहले 150 था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था यहाँ से। ठीक है अभी मैंने इसको नया अच्छे से फ्लेयर बना के लगा दिया और यहाँ पे भी हमने इसको दोबारा लगा दिया। ठीक है अभी हम क्या करेंगे, लीकेज हमारा नहीं है तो फिर गैस को पूरा निकाल के हाई साइड से पूरा गैस बाहर निकाल के फिर हम लो साइड से वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके 20 मिनट उसके बाद हम फिर गैस चार्ज करेंगे। ठीक है तो अभी हम चलते हैं वैक्यूम करके 20 मिनट के बाद फिर से गैस चार्ज करने के लिए। अभी पूरा नाइट्रोजन निकालने के बाद मैं वैक्यूम का सिस्टम वाइज लगा दिया। ठीक है येलो वाला लाइन हमारा वैक्यूम में लग गया है और जो ब्लू वाला लाइन है हमारा सक्शन में लगा हुआ। ठीक है अब मैं वैक्यूम को स्टार्ट कर दूंगा, वैक्यूम करीबन 20 से 25 मिनट होगा। ठीक है और कंप्लीट वैक्यूम होने के बाद ही हम गैस चार्ज करेंगे। ठीक है तो अभी हम चलते हैं वैक्यूम करने के लिए। ठीक है थोड़ा सा तेल निकलेगा क्योंकि यहाँ से इसका वाल निकल चुका है और देख सकते हैं हमारा वैक्यूम में जाते ही माइनस में चला गया। ठीक है इसको 20 से 25 मिनट तक हम होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर गैस चार्जिंग करेंगे इसका। अभी देखिए हमारा करीबन 20 से 25 मिनट नहीं, लगभग 30 मिनट के आसपास हमारा वैक्यूम हो गया। ठीक है अभी मैं इसको क्लोज करूँगा। ठीक है और वैक्यूम को क्लोज करने का हमारा सबसे आसान तरीका क्या है, पहले इसमें एक ही लाइन में लगाया हूँ। ठीक है सिर्फ सक्शन लाइन से वैक्यूम कर रहा हूँ, देख सकते हैं सिर्फ ब्लू वाला लाइन हमारा लगा हुआ है। ठीक है तो पहले ब्लू वाला लाइन को यहाँ से हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद पहले श्योर हो जाएंगे कि ये भी फुली टाइट है और यहाँ से भी टाइट है हमारा। ठीक है यहाँ से टाइट होने के बाद फिर वहाँ से हम खोलेंगे, तो पहले इसको अच्छे से हम ब्लॉक कर देते हैं। और ये हमारा 100% पूरा वैक्यूम हो चुका है। ठीक है अब मैं इसको बंद कर दूंगा, बंद करके फिर हम इसमें गैस डालेंगे। ठीक है हालांकि गैस तो हम लिक्विड डालेंगे। ठीक है तो हमारा प्रयास रहेगा सिलेंडर को उल्टा करके डालें, हम एयर नहीं डालेंगे। ठीक है जैसे जब वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम करने के बाद हम जब जो भी गैस डालता हूँ मैं R22 नंबर का जो गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में डालते हैं। ठीक है तो मैं अभी इसको खोल के, चलिए अभी देखिए सिलेंडर को मैंने कनेक्ट कर दिया, सिलेंडर को कनेक्ट करने के बाद सिलेंडर से गैस खोल दिया हूँ लेकिन यहाँ से मैं नहीं खोला हूँ। यहाँ वाल से खोलने से पहले येलो लाइन से हम थोड़ा सा रिलीज करेंगे जाके जो हमारा पाइप लाइन के अंदर जो थोड़ा सा गैस होता है वो निकल जाए। ठीक है चलिए हमारा यहाँ से गैस निकल गया, अब फिर मैं इसको वाल खोल लूँगा। वाल खोल के करीबन मैं 1 प्लेट में 100 PSI प्रेशर तक इसको होल्ड करूँगा R22, उसके बाद मशीन चालू करके फिर इसमें गैस डालेंगे। अभी देखिए मैं मशीन को चालू कर दिया हूँ और मशीन हमारा ये यहाँ से चल रहा है। ठीक है फैन ब्लेड भी दे सकते हैं इसका और एम्पियर कितना ले रहा है ये 7.7 के आसपास ले रहा है एम्पियर। ठीक है 7.7 समथिंग ले रहा है। ठीक है एक मिनट 7.8 के आसपास ले रहा है जबकि इसका रेटेड एम्पियर कितना है
इसका रेटेड एम्पेयर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसका रेटेड एम्पेयर यहाँ पर लिखा हुआ 8.7 के आसपास है, ठीक है 8.7। तो मैं एम्पेयर देख के ही गैस डाल रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको 60 PSI बैक प्रेशर रखूँ, ठीक है। हालांकि एम्पेयर थोड़ा सा अभी बढ़ेगा, ठीक है 7.9 तक पहुँचा, ठीक है। और बैक प्रेशर भी देख सकते हैं, बैक प्रेशर लगभग 55 के आसपास गया, ठीक है। यह अभी 2 मिनट से चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 60 तक कर देता हूँ, ठीक है। एम्पियर पे हम चेक करेंगे, एम्पियर को करीबन 8.6 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एम्पियर को हम देख के इस बार इसमें हम R22 नंबर डालेंगे। 8 पॉइंट जैसे 6 पहुंच जाएगा, 6-7 पहुंच जाएगा, फिर मैं इसको होल्ड कर दूंगा। अब देखिए जैसे पहले मैं होल्ड कर देता हूँ पूरा, चलिए 8.7 के आस 8.8 के आसपास पहुँच गया। चलिए मैं बंद कर दिया, 8.8 के आसपास चला गया। और देखिए जब गैस हमारा 55 के आसपास जाता है, 50 के आसपास जाता है, तो ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है पूरा चिल्ड होता है, और जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा ये सक्शन चिल्ड होता है। तो मैं यहाँ से फील कर सकता हूँ, बहुत बेहतरीन कूलिंग है इसका, ठीक है। और एक तरफ से पूरा चिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो 8.7 तक होल्ड हो गया, ठीक है। मैं इसी एम्पियर पे इसको छोड़ता हूँ, ये कहाँ तक स्टे हो जाएगा, लगभग 66 के आसपास, 66 के आसपास ये स्टे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, और कूलिंग एकदम बर्फ़ जैसा है, ठीक है। तो अभी हमारा काम फाइनल हो गया, यानी लीकेज था उसको सॉल्व करके वैक्यूम करके फिर नया गैस डाल दिया, ठीक है। और ये रहा एक अच्छा सा सुंदर प्रोसेस, यानी पूरा सिस्टम वाइज, जिसके बाद हमको गर्मी के मौसम तो ठीक है, ठंडी के मौसम में मॉइस्चरिंग की या ब्लॉकिंग की या हीट से कूल में जब चेंज होता है उस टाइम ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है।